हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरी वन रियली ओके। दिस बेसिकली ज्योग्राफी सीरीज का क्लास NCERT 8 का फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली इसमें क्या करेंगे, जैसे 6th 7th में हमने जो चैप्टर्स कवर किए उसमें भी ना उसी तरीके से इस लेक्चर में भी हम कीवर्ड और कंसेप्ट एंड इंफॉर्मेशन लिटिल बिट एनालिसिस को देखेंगे और स्टडी करेंगे। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ओके, basically this is related toward me, I already mentioned, so please move on our lecture। basically ये very very अच्छा topic है। resources means, resources की simple definition होती है जो human need को satisfy करे, human need को satisfy करे उसे resources कहते हैं। these are two types, natural resources and human made। ठीक है, ये just little bit intro और टॉपिक। तो रिसोर्सेज हम क्या होते हैं हमने देख लिए, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, बेसिकली एनी थिंग कैन बी यूज टू सेटिस्फाई इज अ नीड इज अ रिसोर्सेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइट, रिक्शा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वेजिटेबल फॉर ईटिंग, टेक्स बुक फॉर रीडिंग। मीन्स ऑल द रिसोर्सेज हैव वन कॉमन थिंग, दैट इज अ यूटिलिटी। यानी कि वो रिसोर्सेज क्या हमें प्रोवाइड कराता है, जिसकी यूटिलिटी क्या है, वो किस लिए रिसोर्सेज कहा जाता है। दैट्स व्हाई रिसोर्सेज, एवरी रिसोर्स विच इज हैव यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी गिव्स क्या देता है, यूटिलिटी क्या देती है, वैल्यू देती है, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू मे बी मोनेटाइज लाइक मिनरल्स, लाइक जो मेटल्स होते हैं उनकी मोनेटाइज इकोनॉमिक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल कल्चरल लैंडस्केप, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट हाँ इस कह सकते हो कि इस कह सकते हो स्पिरिचुअल एथिस्टिक दैट काइंड ऑफ वैल्यू, बट दैट कैंट बी नॉट, वो प्रॉपरली मोनेटाइज नहीं हो सकती जैसे मिनरल की हो सकती है। ठीक है, बट हाँ ये सेटिस्फाई अवर नीड, कैसे, सीनिक ब्यूटी काइंड लाइफ थिंग्स। ओके, मूव ऑन। अब देखिए एक वर्ड है पैटेंट, पैटेंट देख लीजिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज अगर तुमने कोई इनोवेशन किया, यानी कि तुमने कोई इन्वेंशन किया या कोई आइडिया जनरेट किया और उसे तुम ग्राउंड रियलिटी पे लाए, जैसे मान लो तुमने कोई मेडिसिन बनाई, तो उसके लिए गवर्नमेंट तुम्हें क्या कर देती है, पैटेंट देती है। यानी कि उस मीडियम, उस जो मेडिसिन है उसके कंपोजिशन कोई 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 कॉपी नहीं कर सकता, नो वन ट्राई टू रिप्लीकेट द कंपोजिशन विच यूज इन द फार्मूला और मेकिंग अ ड्रग्स। ओके, पैटेंट लाइक अ राइट, ओके, एक्सक्लूसिव राइट। ओके, अब देखिए टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करती है, टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से क्या है, जो नॉलेज एंड स्किल है वो इफ़िशेंट हो जाती है। यानी कि सपोज दैट पहले आप क्या करते थे, जैसे मान लीजिए आप बुलक कार्ट से जाते हैं तो आपको 1 घंटा लगता था, आप साइकिल से जाते हैं तो आपको आधा घंटा लगता है, आप बाइक से जाते हैं 20 मिनट लगता है, और इवन प्लेन से जाते हैं तो आपको 1 ही मिनट लगता है। तो इससे क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में इफ़िशेंसी आ गई, मीन्स इफ़िशेंसी आ गई। अब देखिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट चेंजेज हैं, ये क्या करते हैं हमारे प्रोसेस को मोर और मोर इकोनॉमिक एंड इफिशियंट बनाते हैं, जिससे लोगों की ह्यूमन नीड फुलफिल हो सके। ओके, और रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से, यानी बेस्ट पॉसिबल वे से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो सके टेक्नोलॉजी के मीडियम से। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या इंजन चलते हैं, और जिससे बेसिकली हमारी इंजन चलते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म, लाइट मैकेनिज्म, इन सब में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, ओके, अब देख लीजिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन अबव स्लाइड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो नेचुरल द्वारा, यानी कि डिवाइन, नॉट अ डिवाइन, बेसिकली काइंड ऑफ गॉड क्रिएटेड, लाइक अ नेचर क्रिएटेड, लाइक अ एयर ब्रीथिंग के लिए, वाटर ड्रिंकिंग के लिए, सोयल एग्रीकल्चर के लिए, मिनरल बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आगे अब दीज आर टू टाइप्स रिन्यूअल रिसोर्सेज, बोल जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूअल रिसोर्सेज मींस विच कैन बी रीजनरेट, उन्हें क्विकली बेसिकली रिप्लेनिश किया जा सके, रीजनरेट किया जा सके, लाइक वाटर, सोयल, फॉरेस्ट। ओके, मूव ऑन। नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज जैसे फॉसिल में क्या आता है, ऑयल, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, ये बेसिकली फॉसिल्स आते हैं, आर दोज विच लिमिटेड स्टॉक, यानी कि उनका स्टॉक लिमिटेड है एंड
रिप्लेनेशन एंड रीजनरेशन टेक्स अराउंड थाउजेंड्स ईयर, थाउजेंड्स और मोर देन थाउजेंड्स ईयर। तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, स्पेशली ऑयल, पेट्रोल, कोल। ओके, मूव ऑन। अब देखिए द डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो इसमें जो मान लीजिए इक्वेटर है, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल का, इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज दैट ब्राज़ील वाले रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और ऑस्ट्रेलियन वाले रीजन में कम रिसोर्सेज हैं, या विद इन द कंट्री रिसोर्सिस का अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। दैट सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, यानी कि जो फैक्टर भी डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पेक्ट करते हैं। अब देखिए मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी स्पेसिफिक, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? बेसिकली ह्यूमन ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, उन्हें मॉडिफाई करके किस तरीके से बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ब्रिज बनाए, ब्रिज मींस सॉइल का यूज करके उन्होंने ये ब्रिक्स बनाई, ब्रिक्स फिर बेसिकली स्टील आयरन कर, रोड मींस बेसिकली मेटालिक रोड, मशीनरी आयरन से बनाई, व्हीकल्स मींस उन्होंने क्या किया, जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना उनको मॉडिफाई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आयरन, आयरन देख लिए, आयरन से एक मींस एक प्रोवर्ब है, यानी कि निडल से लेके एरोप्लेन तक बनाए जाते हैं। सो दैट इज अ दैट बेसिकली अ ह्यूमन इंटेलेक्ट, ह्यूमन इनोवेशन। उसने क्या किया, जो ओरिजिनल रिसोर्सेज को उनको मॉडिफाई करके न्यू रिसोर्सेज बनाए। ओके, मूव ऑन। अब देख ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली कैसे नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करते हैं, बाय नॉलेज, बाय इट्स अंडरस्टैंडिंग, बाय इट्स स्किल। ओके, स्किल डेवलप करके, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी यूज करके वो क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को हैं उन्हें मॉडिफाई करके बेसिकली क्या करते हैं, मोर एंड मोर रिसोर्सफुल, यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, ठीक है। जैसे वन ऑफ द सोशल कैपिटल लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल, ये क्या करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज को बेसिकली एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि मोर एंड मोर ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बनाते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो हेडिंग है कंजर्विंग रिसोर्सेज। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक तरीके से इरेशनल वे, इरेशनल वे या विदाउट गिविंग अ सिंगल थॉट, हम बहुत जोर क्या नाम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन, फॉर एग्जांपल अमेजॉन फॉरेस्ट लीजिए। अब इवन इन इंडिया हम बेसिकली 33% क्या नाम फॉरेस्ट के लिए अभी एफर्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1921 से। अभी हमने अचीव पाया, अभी हम कितना पहुँचा, इंडिया में फॉरेस्ट कवर है कितना, 24.04%, इतना ही हम कवर कर पाए, और हमें कहाँ तक जाना है, 33% तक, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, अनस्टेनेबल यानी इरेशनल वे यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कारण क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि रिसोर्स की यूटिलिटी और उसके मनी कंजप्शन और उसके रीजनरेशन, दैट इज काइंड ऑफ रिसोर्स डिफिसिट, यू कैन से दैट। अब देखिए एक कंसेप्ट है सस्टेनेबल वे, यानी कि रिसोर्स को तुम्हें इस तरीके से यूज करना है कि उसका रीजनरेशन एंड और बेसिकली उसका कंजप्शन में एक बैलेंस बना रहा है, कम ज़्यादा ना हो। जैसे केयरफुली यूटिलिटी रिसोर्स बिसाइड मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट टेकिंग केयर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि इस तरीके से रिसोर्स का यूज करना जिससे फ्यूचर जनरेशन और इनकमिंग जनरेशन की जो नीड है वो कंप्रोमाइज ना हो। ओके, अब इसके लिए देखो दो प्रोसेस है, रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, रिसोर्स का कंजर्व करना है, और किस तरीके से जो वे है सस्टेनेबल वे, यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन करना है बाई अडॉप्टिंग वे ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ओके, मूव ऑन, आगे देखिए। अब देखिए सम प्रिंसिपल हैं, यानी कि देयर आर सम टूल्स गिवन बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। हमें क्या क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड केयर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी कि एनिमल और इंसेक्ट, बर्ड्स, सभी की, यानी कि कॉमन प्लानेट अप्रोच। हमें क्या करनी चाहिए, कॉमन प्लैनेट अप्रोच,
कॉमन प्लेनेट अप्रोच हमें अपनानी है, ठीक है, कॉमन प्लेनेट अप्रोच है, जिसमें क्या होगा, हम नॉट अ पर्टिकुलर स्पीसीज, पर्टिकुलर फ्लोरा, पर्टिकुलर की बेसिकली हम कंजर्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरे प्लेनेट को कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज़ अ कॉमन प्लेनेट अप्रोच। ओके, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, कंजर्व द विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी, जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उतना ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, ठीक है, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, यानी कि दूसरा बिहेवियरल चेंज, यानी कि चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, मीनिंग मोर एंड मोर फॉरेस्टेशन, अवेयरनेस रिगार्डिंग फॉरेस्टेशन, अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर एयर एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, अवेयरनेस सॉइल कंजर्वेशन और सॉइल इकोलॉजी, ठीक है, इनेबल कम्युनिटी टू केयर इन्वायरमेंट, और फाइनली मीन्स एक मास बिल्डिंग अवेयरनेस मेजरमेंट बनाना है, मेजरमेंट करना है या बनाना है, या बेसिकली इस तरीके की सोसाइटी क्रिएट करनी है जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियस हो, जैसे चिपको आंदोलन। आई ऑलरेडी डिस्कस द स्टोरी इन अवर डिस्कशन। चिपको आंदोलन बेसिकली क्या था, चिपको आंदोलन बेसिकली गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेसिकली पीसफुल प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, बुड कंडक्टर एंड मीन्स कमर्शियल लॉगिंग के लिए वो लोग क्या गए, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में बेसिकली डिफोरेस्टेशन के लिए गए, तो लोगों ने क्या किया, जब पहले तो प्रोटेस्ट किया, फिर वो लोग माने नहीं, तो वो लोग क्या हुए, पेड़ से चिपक गए। दैट्स वाई दिस मोमेंट इज कॉल्ड चिपको मोमेंट, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, अब देखिए जो फ्यूचर प्लेनेट है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एगॉर्ड टूवर्ड्स द प्लान, फ्यूचर प्लान, देखो द फ्यूचर ऑफ अ प्लैनेट लिंक्स टू द एबिलिटी ऑफ मेंटेन प्रिजर्व, बेसिकली हाँ, जो भी प्लैनेट है, जो भी प्लैनेट में रिसोर्सेज हैं, उन्हें हमें इस तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि उस प्लैनेट की सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी बनी रहे। देयर इज अ ड्यूटी टू द इंश्योर ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल, यानी कि जो रिसोर्सेज का यूज सस्टेनेबल होना चाहिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहिए, डैमेज टू इन्वायरमेंटल सिस्टम मिनिमाइज, मिनिमम से मिनिमम, यानी कि माइन्यूट से माइन्यूट इन्वायरमेंटल डैमेज होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज देर विल बी मैनी कॉन्सिक्वेंसेज लाइक लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी एंड फ्लड्स, फेमाइन एंड कम्युनिकेटेड डिजीज लाइक कोरोना दैट गोइंग टू हैपी इफ वी डू नॉट एबल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन कंजप्शन एंड रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, देयर इज गोइंग टू बी अ रिसोर्स स्कार्सिटी एंड विच लीड्स टू मैनी क्यूरेबल प्रॉब्लम्स ऑफ द करेंट जनरेशन। ओके, सो दिस इज चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में क्या, फाइनली हम समराइज कर लेते हैं, इस चैप्टर हमने क्या डिस्कस किया, बेसिकली हमने देखा रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स की मीनिंग, डेफिनेशन, यूटिलिटी, फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर किस तरीके से ह्यूमन बेसिकली रिसोर्स को, रिसोर्स की यूटिलिटी किस तरीके से मोर एंड मोर मॉडिफाई करके उनको बेसिकली ह्यूमन नीड के लिए प्रिपेयर करता है, उसके बाद एक लैग हो जाता है, एक डिफिसिट हो जाता है बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज इन कंजप्शन एंड डिक्रीज इन रीजनरेशन एंड डिप्लीशन प्रोसेस, तो उससे क्या होता है बेसिकली, उससे ये होता है कि रिसोर्स डिफिसिट हो जाता है, और फिर कंसेप्ट आता है बेसिकली रिसोर्स कंजर्वेशन, वो हम किसके मीडियम से करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे से, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करके हम क्या बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। फाइनली हमने हमारी जो ड्यूटी है टूवर्ड्स द प्लैनेट क्या करना चाहिए, हमें प्लैनेट की रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहिए, और प्लैनेट की कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हमें यूटिलाइजेशन करना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं। So I hope you like the very beginning chapter of geography class NCERT 8th first chapter, that is resources. So that I hope that discussion very very useful, innovative and crucial. Thank you very much. Thank you.